फ्रेंड्स वेलकम बैक। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली देखे थे, एक डेफिनेशन हमने देखी थी कि एग्जैक्टली कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और कैसे हम उसका निर्माण करते हैं, उसके क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली क्या है। हम आज उसके मेनली सॉफ्टवेयर मॉडल के ऊपर बात करेंगे कि एग्जैक्टली उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से काम करता है। बिकॉज एक नेटवर्क, एक सच ए बिग नेटवर्क कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन हार्डवेयर, इट हैज़ टू हैव सम सॉफ्टवेयर। और अभी तक हमने कंप्यूटर में भी यही चीज़ पढ़ी है कि कंप्यूटर इज ए मिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो उसमें भी एक बहुत बड़े लॉजिक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एलिमेंट्स हमने वहाँ पे देखे थे, सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी ये देखे थे कि एग्जैक्टली जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे, यानी कि बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में जोड़ने का काम करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए मेनली हम ये करते हैं, तो उसमें हम सर्वर हैं, वर्क स्टेशन है, मीडिया हैं, और डिफरेंट तरह के जिसमें गाइडेड में बहुत सारे वायर, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल या ऑप्टिकल फाइबर, इस तरह के वायर्स हैं, या फिर अनगाइडेड मीडिया जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज जो कि हम यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, या फिर इंफ्रारेड, इन सब का हम यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेस हमें लगानी होती है कंप्यूटर नेटवर्क जब हम बनाते हैं, उसमें कंप्यूटर में लगने वाली जो इंटरफेस कार्ड हैं वो मेन है, NIC जिसको हम बोलते हैं, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, गेटवेज हैं, जो कि अलग अलग लेयर पे अलग अलग एग्जैक्टली लगते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर की यहाँ पे मेनली चर्चा करेंगे। तो एक्चुअल में मैंने पहले भी ये बताया था आप लोगों को कि TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कह लें, या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल तो मेन सॉफ्टवेयर सूट है जिसको कि एग्जैक्टली हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर मॉडल इसके लिए बनाया गया है कि हमें क्या क्या यहाँ पे एग्जैक्टली प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट होगी जब हम पूरा नेटवर्क एक बनाएंगे और उसमें डेटा ट्रांसफर को हम करेंगे, तो एग्जैक्टली क्या क्या हमारी वर्किंग हमें वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो एक ISO ने एक रेफरेंस मॉडल नेटवर्किंग के लिए दिया जिसको कि हम OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, और बाद में TCP/IP जो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर तैयार हुआ, सॉफ्टवेयर सूट जो बना, वो भी TCP/IP भी इसी रेफरेंस मॉडल के ऊपर बेस करते हुए बना। पहले इससे TCP/IP रेफरेंस मॉडल बनाया गया और बाद में TCP/IP सूट जो है उसको तैयार किया गया जिसको हम आज के टाइम में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हर एक लेयर में, बाद में TCP/IP में हर एक लेयर के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स पर्टिकुलरली बनाए गए उसकी वर्किंग के ऊपर। प्रोटोकॉल का मतलब ही ये होता है कि व्हाट इज़ द मेन प्रोसीजर एंड हाउ टू डील विद दिस वर्क, और स्टेप बाय स्टेप हमारा जो एल्गोरिदम होगा टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, व्हाट विल बी द एल्गोरिदम। तो ये मेन चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ISO ने हमें दिया वो इसके अंदर टोटल 7 लेयर्स रखे गए हैं। यहाँ पे लेयर का जो मीनिंग सीधा सीधा है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग ग्रुप्स, यानी के जो बहुत सारे हम काम यहाँ पे करेंगे तो 7 तरह के मेनली वर्क हमें यहाँ पे करने होंगे। तो एप्लीकेशन जो लेयर्स हैं वो एग्जैक्टली 7 लेयर्स हैं, और सबसे पहली लेयर उसमें फिजिकल लेयर मानी जाती है। फिजिकल लेयर में ही मेन ट्रांसफर डेटा का होता है। नंबर 2 लेयर डेटा लिंक लेयर मानी जाती है। नंबर 3 पे नेटवर्क लेयर मानी जाती है। नंबर 4 पे ट्रांसपोर्ट लेयर मानी जाती है। 5 पे सेशन लेयर मानी जाती है। 6 पे प्रेजेंटेशन लेयर है, और 7 या और टॉप मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर है जहाँ पे कि सभी एप्लीकेशन एग्जैक्टली काम करती है। तो ये 7 लेयर्स हैं, और इनको याद रखने के लिए हमने एक कोड भी बनाया है, PDNTSPA के नाम से हम याद भी कर सकते हैं इनको। तो PDNTSPA से फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, इस तरह से 7 लेयर्स को हम यहाँ पे याद कर सकते हैं।
ये हमारा OSI रेफरेंस मॉडल एग्जैक्टली इस तरह से। अब हम देखते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज अ रेफरेंस टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा कम्युनिकेशन। तो इसी से हम मेनली जो रेफरेंस टूल हमें दिया गया ISO के द्वारा, इससे हम डेटा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे समझेंगे। इट डिवाइड्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन 7 लेयर्स, और जितना भी प्रोसेस है उसको ये 7 प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि अलग अलग तरीके से, एक तरीके से एकदम सेग्रीगेटेड वर्क की अगर हम बात करें तो 7 वेज आर देयर, 7 सेगमेंट्स आर देयर जिसमें हम उस वर्क को डिवाइड कर सकते हैं। ईच लेयर बोथ परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस टू सपोर्ट, और हर एक लेयर में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन वहां पे होता है। द थ्री लोएस्ट लेयर्स फोकस ऑन पासिंग ट्रैफिक। जो नीचे की तीन लेयर हैं, यानी कि फिजिकल, डेटा और नेटवर्क लेयर, जो तीन लेयर नीचे की हैं, ये मेनली जो डेटा का ट्रैफिक है उसको पास करने के मेनली ये काम में आती है। द टॉप फोर लेयर्स कम इन टू प्ले इन द एंड सिस्टम टू कम्प्लीट द प्रोसेस। और जो ऊपर की चार लेयर यानी कि ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर हैं, ये मेनली जब डेटा जो है मेनली पास होके और एंड सिस्टम में पहुंच जाता है और वहां पे रीअसेंबल उसको करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वहां पे मेनली एग्जिस्टेंस में आती है। तो ये पर्टिकुलर जो लेयर्स हैं वो मेनली एक तरीके से उसको प्रोसेस करने के लिए हैं डेटा को, फोर लेयर्स, जबकि तीन नीचे की लेयर जो है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हैं, कैसे डेटा नेटवर्क के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अब देखते हैं कि हाउ डेटा फ्लोज अक्रॉस लेयर्स, कि जब हम डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली फिगर में हम देख रहे हैं कि जब सेंडिंग कंप्यूटर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ये भेजने वाला कंप्यूटर है जो डेटा को भेजेगा, और ये राइट हैंड साइड में जो कि उसको रिसीव एग्जैक्टली करेगा। डेटा ऑलवेज फॉर्म्स ऑन एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में डेटा का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और हर एक लेयर उसमें फिर एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि डेटा जब भी ट्रांसफर होता है एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफर होता है, तो इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो छोटे छोटे पैकेट्स बना के भेजे जाते हैं, और अगर डेटा बड़ा होता है तो उसको सेग्रीगेट किया जाता है छोटे छोटे पैकेट्स में, और स्मॉल पैकेट्स ही एक तरीके से फिजिकल लेयर के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होंगे। लेकिन हर एक पैकेट का फॉर्मेशन जब होता है तो वहाँ पे एग्जैक्टली कुछ इस तरह से होता है कि डेटा लिंक लेयर में पहले डेटा बनाया जाता है, और फिर उसके ऊपर कुछ जो हमारी जानकारियाँ होती हैं डेटा से रिलेटेड उसको हम वहाँ पे ऐड करते हैं। तो हर एक लेयर कुछ जानकारियाँ उसके अंदर ऐड करती हैं, कुछ कैलकुलेशन भी यहाँ पे हमें करने होते हैं, जो कि एग्जैक्टली जब हम एरर हैंडलिंग वगैरह के लिए भी कुछ जानकारी यहाँ पे ऐड करनी होती है, जैसे एग्जैक्टली हमारी कितनी बिट्स हैं, कितने बाइट्स हमारे टोटल हैं, कितना हमारा टोटल डेटा है, हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, हमारा रिसीवर एड्रेस क्या है। तो इस तरह से हम बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पे इसके अंदर ऐड करते हैं। तो डेटा लिंक लेयर पे सबसे पहला हेडर यहाँ पे इंक्लूड होगा, और हर एक लेयर जो है एक एक हेडर यहाँ पे लगाती चली जाएगी। इस तरह से देखो जैसे जैसे डिफरेंट लेयर्स के में से होके डेटा फ्लो करेगा, दिस इज द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ डेटा। एक्चुअली यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर जाता है, फिर सेशन लेयर जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जाता है, फिर नेटवर्क लेयर जाता है, और फिर डेटा लिंक लेयर जाता है। इस तरह से इसके अंदर 6 हेडर्स यहाँ तक जाके लग चुके होते हैं, और एक तरीके से इसका हेडर्स इंक्लूडिंग ऑल हेडर्स एक पैकेट यहाँ पे एग्जैक्टली बन जाएगा, और उसको एक एड्रेस दे दिया जाएगा लास्टली, एंड इट फ्लोज देन विद द हेल्प ऑफ फिजिकल लिंक। जो भी वहाँ पे फिजिकल लिंक होगा जिसको कि हम एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर मीडिया के थ्रू हम भेज सकते हैं, चाहे वो गाइडेड मीडिया है यानी कि हम वायर से भेज रहे हैं, या फिर हम किसी अनगाइडेड मीडिया यानी कि एयर से हम ट्रांसमिशन करके उसको भेज रहे हैं। तो इस तरह से डेटा वो ट्रांसफर होता है, और फिर रिसीविंग एंड पे उसी तरह से उसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है कि जैसे जैसे ये डेटा फिर रिसीविंग
जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर जैसे ही ये पहुंचेगा तो वहां पे एक टियर ऑफ चालू हो जाता है, यानी कि एक एक हेडर को टियर ऑफ करते चले जाएंगे और उसको प्रोसेस करते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये फॉर एग्जांपल फिजिकल लेयर पे पहुंचने के बाद डेटा लिंक लेयर को रिसीव किया जाएगा और वहां पे H6 को टियर ऑफ किया जाएगा, उसका हेडर जो वहां से आया था डेटा लिंक लेयर का, और डेटा लिंक लेयर उसके कैलकुलेशंस को एग्जैक्टली वहां पे देखेगी कि क्या कैलकुलेशंस इसके अंदर दिए गए थे। और जब उसको सब कुछ ठीक लगेगा कि डेटा लिंक लेयर की जितनी भी वर्किंग है वो यहाँ पे ठीक है, तो वो उसको अपर लेयर यानी कि नेटवर्क लेयर को ट्रांसफर करेगी। तो इसी तरह से डेटा और यहाँ पे H5 को टियर ऑफ किया जाएगा नेटवर्क लेयर पे आने के बाद। ऐसे ही फिर जब यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ये पहुँच जाता है और फिर यहाँ पे H4 को टियर ऑफ किया जाता है, फिर सेशन लेयर में जाएगा तो H3 को टियर ऑफ किया जाएगा और वहाँ पे देखा जाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन ऐड की गई थी और वो ठीक है कि नहीं सभी। ऐसे ही प्रेजेंटेशन लेयर पे H2 प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी तो वहाँ पे भी एग्जैक्टली देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और फिर लास्टली एप्लीकेशन लेयर पे जब पहुँच जाएगा और उसको फिर एग्जैक्टली यूजर डिफाइंड फॉर्म में लाया जाएगा, जिससे कि यूजर उसको एग्जैक्टली अपने सिस्टम के ऊपर अपने मॉनिटर के ऊपर फिर देख पाएगा। तो इस तरह से हमारा डेटा जो है फिर से फॉर्मेशन उसी तरह से उसका हो जाता है। ये कुछ उसी तरह से है जैसे हम कोई सामान अगर किसी पैकेट में खरीद के लेके आते हैं बाजार से, तो एग्जैक्टली हम उसके ऊपर जो जानकारियाँ लिखी होती हैं उसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली इस पैकेट के अंदर क्या क्या है, कितनी कितनी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं, सब कुछ लिखा रहता है वहाँ पे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब पैकेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये सब जानकारियाँ उसके ऊपर लिखी जा रही हैं, इसी को हम हेडर एग्जैक्टली कहते हैं। डेटा सेंडिंग प्रोसेस से और एप्लीकेशन प्रोसेस पे इस तरह से एग्जैक्टली फ्लो होता है। अब हम एक एक लेयर की बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये लेयर्स जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो हमें कंसेप्ट दिया गया ISO के द्वारा, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या एग्जैक्टली थोड़ा वर्क उन्होंने दिया कि एग्जैक्टली ये वर्क यहाँ पे होंगे तो क्या वर्किंग एग्जैक्टली उन्होंने दी। ये रेफरेंस मॉडल था एग्जैक्टली, यानी कि रेफरेंस मॉडल का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है कि एक तरीके से कंसेप्ट है और बाद में इसी कंसेप्ट को लेते हुए जो सॉफ्टवेयर था उसका फॉर्मेशन हुआ और उसको हम TCP/IP कहते हैं। फिर TCP/IP में भी एग्जैक्टली हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो सही सभी एप्लीकेशंस वहीं पे काम करती हैं। ये हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर भी पढ़ा था कि जब भी हमारा कंप्यूटर हम लाते हैं तो उसमें सबसे पहले हार्डवेयर होता है और फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सेटअप करना होता है उसको चलाने के लिए, और फिर कुछ एप्लीकेशंस भी जो स्पेसिफिक वर्क अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम एग्जैक्टली एप्लीकेशंस भी सेटअप करते हैं। तो यही एप्लीकेशंस यहाँ पे डिफरेंट डेटा को फॉर्म करती हैं। जैसे मान लिया हम वर्ड में कोई पर्टिकुलर हम लेटर बनाना चाह रहे हैं तो दैट बिकम्स ए डेटा। तो वही डेटा हम एग्जैक्टली अटैच करके जैसे हम उसको भेज रहे हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे फॉर्मेशन उसका होगा। और जब हम पूरा इसका एक तरीके से यहाँ पे बनाएंगे उस टाइम पे इन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो भी एप्लीकेशन लेयर पे ही एग्जैक्टली अप्लाई की जाती हैं। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के द्वारा ये सारा का सारा काम किया जाता है। और जब TCP/IP में हम जाएंगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे इस तरह के प्रोटोकॉल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में काम करते हैं, जैसे SMTP है, DNS है, HTTP है, क्रिप्टोग्राफी है, DEC है, AEC है, AES है, RSA है। तो इस तरह के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वहाँ पे एग्जैक्टली काम करते हैं। और इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर, VPN, डिफरेंट तरह की जो एग्जैक्टली गतिविधियाँ हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड वो भी एप्लीकेशन लेयर पे ही होती हैं। यहाँ पे जो डिवाइस है मेन काम करने वाला उसे गेटवे, एप्लीकेशन लेयर पे अगर कोई डिवाइस काम करती है तो वो गेटवे या फिर फायरवॉल यहाँ पे एग्जैक्टली काम करती है। तो मेन वर्क जो है बहुत बड़ा काम एप्लीकेशन लेयर का है और एप्लीकेशन लेयर मेनली पूरी की पूरी एप्लीकेशंस को देखती है, उनके सेटअप को देखती है और कैसे एग्जैक्टली डेटा जो है वो क्या उसका रिप्रेजेंटेशन है वो देखती है। इसके अलावा टर्मिनल्स को देखती है और फॉर्मेशन ऑफ डेटा को देखती है।
जैसे SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो मेल कैसे एग्जैक्टली वहाँ पे बनाया जा रहा है। जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की अगर हम बात करें, तो ये वेबसाइट्स में चलने वाला प्रोटोकॉल है, जो कि एग्जैक्टली जो हमारा हाइपर टेक्स्ट है वो एग्जैक्टली किस तरह से वहाँ पे बन रहा है उसको देखती है। और जब हम सिक्योरिटी वर्क की बात करते हैं, तो डिफरेंट तरह के वो क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम्स हैं, वो उनको वहाँ पे देखती है। जो उससे निचली लेयर है, सेवंथ लेयर के बाद सिक्स लेयर उसके बाद आती है, और इसको हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, यानी कि हाउ टू प्रेजेंट द डेटा, डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। और प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, इंटरनली जब हम डेटा को स्टोर करते हैं, किसी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करते हैं, तो एक पर्टिकुलर एनकोडिंग के तहत वहाँ पे हम उसको स्टोर करते हैं, और जब उसी एनकोडिंग को हम फिर लाइन एनकोडिंग में चेंज करते हैं, यानी कि डेटा को भेजने के लिए जब हम किसी वायर के ऊपर या एयर के अंदर उसकी एनकोडिंग करते हैं, तो वो हमें फिर से वहाँ पे चेंज करना होगा। तो मेन जो हमारा तरीका है स्टोर करने का, जिस तरह से हम स्टोर करते हैं, बाइनरी में स्टोर करते हैं अपने पूरे डेटा को, और EBCDIC या फिर ASCII जैसे हमने डिफरेंट कोड वहाँ पे बनाए हैं, और इनकी चर्चा भी एग्जैक्टली हम कुछ की हम कर चुके हैं, कुछ की और भी हम चर्चा एग्जैक्टली करेंगे। तो इस लेयर पे भी एग्जैक्टली जो डिवाइस काम करती है वो गेटवे है। उसके बाद सेशन लेयर आती है, नेक्स्ट लेयर। सेशन का मतलब होता है कि हम अगर एग्जैक्टली कनेक्शन बना रहे हैं, तो कितने टाइम तक और कैसे हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश रहेगा। तो एस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन को, हम जोड़ेंगे यानी कि एंड यूज़र से, और जब हम डेटा हमें भेजना होता है, तो डेटा एग्जैक्टली जब ट्रेवल करता है, मैंने आप लोगों को बताया ही कि हमेशा पैकेट की फॉर्मेशन, पैकेट फॉर्म होगा और पैकेट के तौर पर ही डेटा जाता है। तो सीक्वेंस रहता है पूरे पैकेट्स का, कि किसी पर्टिकुलर जब हम कम्युनिकेशन को कर रहे हैं, तो पैकेट वन, पैकेट टू, पैकेट थ्री, इस तरह से डेटा एक सीक्वेंस में वहाँ पे जाता रहेगा। और कुछ पर्टिकुलर जो हमारा तरीका होता है भेजने का, वो अनसिक्वेंशियल भी हो सकता है, जैसे UDP में होता है कि हम बिना सीक्वेंस के भेज सकते हैं, लेकिन लास्टली एंड यूज़र पे उसको सारे को हमें फिर भी सीक्वेंस में ही लगाना होगा, उसका मीनिंग निकालने के लिए, जिस तरह से वो एग्जैक्टली हमारे सिस्टम के अंदर जिसमें हमने उसको तैयार किया है, वहाँ पे जिस तरह से डेटा था उसी तरह से हमें फिर से उसको लगाना होगा। तो उस काम के लिए जब हम पैकेट्स को बना चुके होते हैं, तो हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, और कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर लेयर, अभी हम बात करें कौन सी लेयर में होता है और उसका काम है, तो एंड टू एंड कनेक्शन एग्जैक्टली बन जाता है, तो TCP मेनली वो काम करता है वैसे, तो एस्टेब्लिश करेगा कनेक्शन को और मेंटेन करेगा और एंड ऑफ सेशन भी करेगा। तो इस तरह से एक तो हम कनेक्शन बना के काम कर सकते हैं, उसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं, या फिर हम बिना कनेक्शन बनाए भी एग्जैक्टली हम अपना डेटा को भेज सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम मोबाइल पे किसी से अपने अपने वोकल में बात करना चाहते हैं, बोल के बात करना चाहते हैं, तब हम उससे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, उसको रिंग करते हैं, और जब कनेक्शन बन जाता है फिर लगातार हम उससे बात करते रहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम मान लिया हम उसको एक लेटर, रिटर्न लेटर भेजना चाहते हैं, पत्र भेजना चाहते हैं, तो फिर हम बिना कनेक्शन बनाए भी हम उसको एक लेटर ड्रॉप कर देते हैं, जो कि लेटर एड्रेस से चला जाता है, या जिस तरह से हम अपना टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज जिस तरह से जाता है कि जस्ट उस पर कुछ लिख दिया हमने और उसको हमने मोबाइल के अंदर पोस्ट कर दिया। तो इस तरह से दो तरीके हो सकते हैं, एक को हम पक्का करते हैं बिल्कुल कि पहले कनेक्शन बना के ही हम भेजेंगे डेटा, और दूसरा इस तरह कि हम बिना कनेक्शन बनाए भी एग्जैक्टली उसको भेज सकते हैं। तो इसमें एंड सेशन तक उसका काम है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो उसमें हमें आइडेंटिफाई भी करना होगा कि एग्जैक्टली जिस सिस्टम के साथ हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कि जिसको हम भेजना चाहते हैं वही है, या फिर कहीं हम किसी गलत सिस्टम के साथ तो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, तो उसको ऑथेंटिकेट भी हमें करना होगा। तो कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स वहाँ पे हैं, जैसे कर्बरोस है,
तो वो उसके अंदर एग्जैक्टली हमारी सहायता करती है। सिंक्रोनाइजेशन भी हमें करना होगा कि एग्जैक्टली डेटा का स्पीड वगैरह जो है वो सही हो, सिंक्रोनाइज्ड हो, और डायलॉग कंट्रोल यानी कि दोनों तरफ से किस तरह से दोनों प्रोसेस काम करेंगे, और टोकन मैनेजमेंट, टोकन के थ्रू ये सारा काम होता है। तो ये डिटेल्स हम आगे इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी इस लेयर पे भी पर्टिकुलरली गेटवेज जो है वो काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि फोर्थ लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर एक अहम लेयर है, और इस लेयर को हम ये अभी अभी हमने चर्चा की थी कि ऊपर की चार लेयर जो हैं ये मेन प्रोसेस जो हैं सिस्टम के अंदर यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस उसको देखती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक अहम रोल अदा करती है, और इसको हम फादरली लेयर भी कह सकते हैं। ये फादर की तरह का कुछ काम करती है। तो इसके अंदर जो मेन जो वर्क हैं उसमें फ्लो कंट्रोल सबसे अहम है। फ्लो कंट्रोल यानी कि जब हम डेटा भेज रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारा डेटा भेजने की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो और जो रिसीव करने वाला है वो उसको रिसीव ना कर पाए और डेटा लॉस हो जाए, तो ये उसको कंट्रोल करती है। या फिर हमारी स्पीड कम हो और वो जो है वो हमेशा बैठा हुआ इंतज़ार करता रहे कि डेटा तो आ ही नहीं रहा है, बहुत धीरे धीरे डेटा जा रहा है तो टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इसके लिए हैं, जैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है या नेगलेज एल्गोरिथम थ्योरम है, तो इस फ्लो कंट्रोल को ये बनाती है। कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट भी यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली कर सकते हैं। थ्री वेज हैंडशेक के थ्रू हम ये काम करते हैं कनेक्शन और डिसकनेक्शन का। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एंड टू एंड कनेक्शन एक तरीके से बना के देती है कि शुरू से आखिर तक जितना भी हमारा नेटवर्क की जितने भी नोड्स हों, मल्टीपल हॉप में डेटा एग्जैक्टली जाता है, क्योंकि जब हम एक नोड से दूसरी जगह डेटा भेजेंगे तो बीच में कोई ना कोई डिवाइस वहाँ पे लगी रहेगी। अभी डिवाइसेस की हम बात कर रहे थे कि बीच बीच में अगर तार भी लगे हुए हैं या फिर एयर से हम भेज रहे हैं तो बीच बीच में कोई डिवाइसेस होंगी जहाँ पे हमारा डेटा जाके बीच बीच में बैठेगा। तो अगर मल्टीपल हॉप उसको लेने पड़ रहे हैं यानी कि बार बार बीच बीच में उसको रुकना पड़ेगा डिवाइसेस के अंदर, तो ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर एग्जैक्टली देखती है कि वहाँ पे वो कैसे रुकेगा और क्या उसके साथ में एग्जैक्टली वहाँ पे होगा। तो थ्री वे हैंडशेक के थ्रू ये कनेक्शन बनते हैं। सेफ डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, हम पैकेट्स की सेफ डिलीवरी करते हैं। फादरली है चुके तो फादर हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा डेटा जो है वो सेफ पहुँचे, क्योंकि उनका ये वर्क है एक तरीके से। तो सेफ डिलीवरी का काम ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम करते हैं। TCP/IP रेफरेंस मॉडल जो है और सॉफ्टवेयर, उसमें एग्जैक्टली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो वहाँ पे हम जाके एग्जैक्टली देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ का किया गया है। एक्नॉलेजमेंट भी हम भेजते हैं इसमें, तो ये तय करने के लिए कि सेफ्टी से पहुँच जाए डेटा। एक्नॉलेजमेंट किस लिए होता है कि हमारा डेटा भेजा हमने और हमें ये पता चल जाए कि डेटा सही से पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। तो ये भी एक तरीके से फादरली रोल है कि एक्नॉलेजमेंट हम चाहते हैं वहाँ से कि जब डेटा पहुँच जाए तो हमें वही बता देना। जैसे आपने देखा होगा कि फादर ये कहते हैं हमेशा कि जब वहाँ पे पहुँच जाए तो एक फ़ोन कर देना। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट का हम यूज़ करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग भी हम इस पर्टिकुलर लेयर पर कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारा डेटा भी हम एक जगह एक ही पैकेट में इकट्ठा करके हम भेज सकते हैं, और बाद में फिर वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस का डेटा इकट्ठा करके भेजा जा सकता है। सेगमेंटेशन भी उसी का उल्टा प्रोसेस है कि अगर डेटा बहुत बड़ा है एक ही प्रोसेस का तो हम उसके हिस्से करके भी भेज सकते हैं, तो एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। और पैकेट्स बनाने का मेन काम ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर किया जाता है, क्योंकि यहीं से एक तरीके से ये सिस्टम से बाहर निकलना चालू हो जाएगा। उसके बाद इस पर्टिकुलर लेयर पे गेटवेज, राउटर्स, ब्राउटर्स वगैरह ये काम करते हैं। और मैंने बताया आप लोगों को कि फादरली एक तरीके से रोल है इस पर्टिकुलर लेयर का, तो इनके थ्रू ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। अब ये तीन जो नीचे वाली लेयर हैं इसमें हमने बताया कि ये मेनली डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो बड़ा काम है इन लेयर्स के अंदर, वो पर्टिकुलर जो नॉलेज है वो रहती है, और इनके अंदर वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम उसके अंदर
लिख के और सॉफ्टवेयर इस चीज के लिए बनाए गए, जैसे कि थर्ड लेयर जो है, तीसरी लेयर OSI रेफरेंस मॉडल की, वो नेटवर्क लेयर है, बहुत ही अहम जो मुख्य लेयर एक तरीके से है, और यही लेयर एग्जैक्टली हमारे डेटा को मेनली ट्रांसफर कराती है। इस लेयर पे हमारा जो प्रोटोकॉल, मेन प्रोटोकॉल है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP रेफरेंस मॉडल का। इससे ऊपर अपर लेयर जो हमने देखी थी अभी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उस पर TCP बनाया गया है, और यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे IP काम करता है। इसके जो मेन वर्क हैं वो सबसे मुख्य वर्क है राउटिंग। राउटिंग में इसको क्या देखना होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ एक तरीके से कैलकुलेट करती है कि जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो कौन सा पाथ से होके जाएगा। तो सबसे छोटा रास्ता जो है, यानी कि हमें जहाँ पे जिसमें सबसे कम काम करना पड़े और सबसे कम हमारा खर्चा हो, उस रास्ते से एग्जैक्टली डेटा को भेजा जाए। तो यहाँ पे उसका कैलकुलेशन होता है, डिफरेंट एल्गोरिदम्स आर देयर, उसके लिए बहुत सारी एल्गोरिदम्स को यूज में लाया जा सकता है, जैसे डिस्कस्ट एल्गोरिदम है, प्रिम्स एल्गोरिदम है, क्रिस्कल्स एल्गोरिदम है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है। तो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने डिफरेंट तरह की ये कैलकुलेशन करने के लिए एल्गोरिदम दी हैं, और इन्हीं एल्गोरिदम्स को बेस करते हुए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, उनके अंदर इम्प्लीमेंट की गई है इन एल्गोरिदम्स को, और आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो। जो नेक्स्ट वर्क है यहाँ पे फ्लडिंग है, जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं और डिफरेंट हम पाथ का हम सिलेक्शन करते हैं तो हम फ्लडिंग कर सकते हैं। एक फ्लडिंग एक तरीका है सिलेक्शन करने के लिए, फ्लडिंग करने से डिफरेंट पाथ के ऊपर, अगर एक ही जगह से डिफरेंट पाथ एक तरीके से निकल रहे हैं तो हम किस पाथ के ऊपर एग्जैक्टली जाएंगे, तो इसको चेक करने के लिए कई बार हमें फ्लडिंग का सहायता लेना पड़ता है, जिसमें कि मल्टीपल पैकेट्स जो है वहाँ पे भेजे जाते हैं, और फिर हम उसका पता लगाते हैं कि कौन सा कहाँ से हमारा पैकेट एग्जैक्टली पूरे नेटवर्क को कवर करके सबसे जल्दी वापस आ रहा है। कंजेशन कंट्रोल भी हमें यहीं पे करना पड़ता है इसी लेयर के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि रास्ते में जब हमारा पैकेट ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो किसी पर्टिकुलर नोड पे जाके वहाँ पे कंजेशन हो जाए, यानी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से उसको चलने में वहाँ पे दिक्कत हो रही है या उसको रुकना पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर नोड के ऊपर। जैसे नॉर्मली आप लोगों के साथ भी होता है ट्रैफिक में कि हम वहाँ पे फंस जाते हैं और हम वहाँ से आगे नहीं जाते। तो बहुत सारे एल्गोरिदम इसके लिए भी हैं, बहुत सारे लॉजिक इसके लिए बनाए गए हैं, जैसे लीकी बकेट है और टोकन बकेट वगैरह एल्गोरिदम इसके लिए हैं, जो कि एग्जैक्टली हमें पढ़ने चाहिए, पढ़ेंगे हम आगे जाके कि एग्जैक्टली किस तरह से ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली लॉजिक इसके अंदर अपना अपना दिया तो वो किस तरह से काम करते हैं। एड्रेसिंग, जो लॉजिकल एड्रेसिंग है वो इसी लेयर के ऊपर होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक लॉजिकल एड्रेस हम नेटवर्क के अंदर दे सकते हैं, और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसके अंदर हम 4 byte का एड्रेस एग्जैक्टली यहाँ पे यूज करते हैं। 4 octet में ये एड्रेस होता है, इसको हम यहाँ पे एग्जैक्टली यूज करते हैं, और इसी का इस्तेमाल करके हमारा जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे एग्जैक्टली ट्रेवल हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन एंड टर्निंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। जब हम एक फ्रेगमेंटेशन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम कहीं पर्टिकुलर लूप किसी पर्टिकुलर नोड के ऊपर जाके हमें पता चले कि आगे हमारा जो पैकेट है ये काफ़ी बड़ा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, और यहाँ पे हमें इसे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फ्रेगमेंटेशन का एक लॉजिक है कि हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट के वहाँ से उस पर्टिकुलर पैकेट को निकालेंगे और बाद में उसको फिर से सेम फॉर्मेशन में वापस कर देंगे। टनलिंग एक कंसेप्ट है जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को बनाने का कंसेप्ट है। टनलिंग के अंदर एक तरीके से एक सुरंग जैसी चीज का कंसेप्ट ये है कि हम उसमें अपने जो हमारा नेटवर्क है उसको कन्वर्ट कर देंगे, और इसमें एग्जैक्टली हम उसकी जितनी भी गतिविधियां हैं, उसके जितने भी वर्किंग है, जितने भी एड्रेसेस वगैरह कहाँ से चालू हो गए, कहाँ पे एग्जैक्टली ख़त्म हो रहा है, तो उसको हम नेटवर्क से छिपा लेते हैं।
इस कंसेप्ट को हम टनलिंग कहते हैं, और टू हाइड ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द नेटवर्क। तो टनलिंग करके और हम वहाँ से डेटा को एग्जैक्टली चोरी छिपे एक तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये इसी से जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का कंसेप्ट है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद सेकंड लेयर आ जाती है, और सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर है, जो कि बहुत अहम लोअर मोस्ट एक तरीके से लेयर है। इसके बाद फिजिकल लेयर है आगे, लेकिन फिजिकल लेयर में कुछ भी एक तरीके से वर्किंग नहीं होती। फिजिकल लेयर ओनली इज टू ट्रांसफर द डेटा। उसमें तो फिजिकल चीज़ें जैसे वायर वगैरह हैं वही आती हैं, और वो डेटा को ट्रांसफर करने के मेनली काम आती है। तो डेटा लिंक लेयर लास्ट लॉजिकल लेयर है, जहाँ पे कि हम एग्जैक्टली सारी चीज़ों को, जो बची हुई चीज़ें हैं उनको हम हैंडल करते हैं। इसमें डेटा लिंक लेयर में ही बाद में एक मैक सब लेयर बनाई गई, जो कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए मेनली बनाई गई थी। कि जब ये ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट बहुत बाद में आया, शुरू में हम ब्रॉडकास्टिंग नहीं करते थे, और जब ये ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट आया, ब्रॉडकास्ट कहते हैं जब हम एक ही डेटा को बहुत सारे लोगों के पास भेजना चाहते हैं, सभी को रिसीव हो जाए वो डेटा, तो उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो जब हम बहुत सारे लोगों को इस तरह से डेटा भेजते हैं, तो वहाँ पे हम मैक सब लेयर का सपोर्ट लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रेडियो प्रसारण वगैरह में देखा होगा कि वो तो एक जगह से एक ही जगह से डेटा जो है पूरा आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको, सारे लोग एक तरीके से उसको रिसीव कर रहे हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग एक तरीके से इस कंसेप्ट को हम कहते हैं। तो इसमें चैनल लोकेशन कैसे होगा, और कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल हैं कि जैसे कंटेंशन फ्री है, अलोहा, CSMA, CD वगैरह, कि कैसे एग्जैक्टली जब डेटा भेजा जाएगा तो कैसे हम उसका जो कोलिजन है उसको हम बचाएंगे। अगर उसको बहुत सारे लोग भेजना चाहते हैं तब की ये बात होगी, बहुत सारे लोग अगर भेजने वाले हैं तो फिर कैसे वो भेजेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल हैं, जैसे अलोहा या CSMA CD का हम यूज़ कर सकते हैं, या कुछ पर्टिकुलरली कोलिजन फ्री हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि उनमें आपस में कोलिजन ना हो, तो बिट मैप है या फिर का बाइनरी काउंटडाउन, इस तरह के प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और लिमिटेड कंटेंशन भी हैं कुछ, जिसमें कि इन दोनों का ध्यान हम रख सकते हैं। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल हैं, जैसे अडॉप्टिव ट्री, और इसमें एक तरीके से कंटेंशन फ्री और कोलिजन फ्री दोनों का मिक्स यहाँ पे हो जाता है। वायरलेस लैन प्रोटोकॉल भी कुछ हैं, जिसमें कि मक्का और मकाओ वगैरह हैं, जब हम वायरलेसली ट्रांसमिट करें डेटा को, ब्रॉडकास्ट करें, तो तब ये काम में एग्जैक्टली आते हैं। बाइनेंशियरी बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम बहुत फेमस एल्गोरिदम इस पर्टिकुलर फील्ड में है। और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को भी हम यहाँ पे एग्जैक्टली QoS, जैसे बैंडविड्थ है, बफरिंग है कितनी होगी, ट्रैफिक और की शेपिंग कैसे होगी, तो इन चीज़ों का भी हम मैक सब लेयर में ध्यान रखते हैं। और मैक एड्रेसिंग यहाँ पे एक आ जाती है, जो कि फिजिकल लेयर की एड्रेसिंग एग्जैक्टली है। जब हार्डवेयर बनता है कंपनी के अंदर, तभी इस पर्टिकुलर एड्रेसिंग को उसके अंदर NIC में दे दिया जाता है। तो आपके जितने भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन हैं, सभी के अंदर ये पर्टिकुलर एड्रेसिंग स्कीम रहती है, और इंटरनेशनल एजेंसीज इसको एग्जैक्टली मॉनिटर करती हैं कि आप सही तरीके से ये मैक एड्रेस अपने हार्डवेयर को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। और अगर आप नहीं दे रहे हो तो फिर ये एक तरीके से मार्केट में रखने लायक नहीं होते। तो आपने पीछे सुना भी होगा कि कुछ पर्टिकुलर फ़ोन इस तरह के मार्केट से हटा दिए गए थे, जिनके अंदर मैक एड्रेसिंग नहीं थी, और वो वापस कंपनीज को भेज दिए गए थे। डेटा लिंक लेयर, अभी मैं कह ही रहा था आप लोगों की लास्ट लॉजिकल लेयर है, तो और ये अहम रोल अदा करती है। ये सिंगल हॉप के ऊपर एग्जैक्टली डेटा लिंक लेयर काम करती है, कि जब हम डेटा को सिर्फ एक पर्टिकुलर नोड से दूसरी नोड पे भेजना चाहते हैं, यानी कि सिंगल नोड के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, तब डेटा लिंक लेयर के अंदर ही सारे लॉजिक एग्जैक्टली यहाँ पे होते हैं। तो मेन इसके जो कंसेप्ट हैं, उसमें फ्रेमिंग आती है एक, तो कि हम एग्जैक्टली फ्रेम्स बना के उसको कैसे एक नोड से दूसरी नोड पे एग्जैक्टली भेज देते हैं। एरर का डिटेक्शन और करेक्शन भी यहीं पे होता है, कि हम जब डेटा को एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके अंदर एरर फ्री ट्रांसफ़र होना चाहिए,
कि कोई भी उसके अंदर एरर ना रहे, और अगर एरर आ जाता है तो हम ड्रॉप कर सकते हैं पैकेट को और रीआस द डेटा, यानी कि उसको दोबारा से मंगा लेंगे, जिससे कि हम कोई भी एग्जैक्टली हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर किसी भी तरह का एरर कहीं भी कोई भी ना हो, हमारा डेटा एग्जैक्टली सेफ्टी के साथ दूसरी जगह पे पहुंच जाए। तो इसके कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे हैमिंग कोड या फिर CRC वगैरह का इस्तेमाल, यहाँ पे हम एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं और डैमेज्ड डेटा को हम रिकवर कर सकते हैं। लॉस्ट और डुप्लीकेट फ्रेम्स का प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आ सकता है कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर फ्रेम जो है वो लॉस्ट हो जाता है तो हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, और अगर वो डुप्लीकेट हो जाता है यानी कि दो आ जाते हैं, वो एक्स्ट्रा आ जाता है, तब हम उसका क्या करेंगे। तो डिफरेंट तरह के यहाँ पे लॉजिक उसके लिए लगाए गए। फ्लो कंट्रोल भी यहाँ पे देखा जाता है कि चूंकि डेटा जो है एक नोड पे ही ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल हमें देखना होगा कि बहुत तेजी से भी ट्रांसफर ना हो और बहुत धीरे भी ट्रांसफर ना हो। तो इसके लिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। तो एक अहम एल्गोरिदम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करती है। इस पर्टिकुलर लेयर पे स्विचेस, ब्रिजेस और इंटेलिजेंट हब यहाँ पे काम करते हैं। तो मैक सब लेयर भी इसी की सब लेयर एग्जैक्टली है, डेटा लिंक लेयर की सब लेयर ही मैक सब लेयर है। तो इस पे भी स्विचेस काम करते हैं। उसके बाद लास्ट लेयर जो हमारी लोअर मोस्ट लेयर है उसको हम फिजिकल लेयर कहते हैं, और फिजिकल लेयर में सिर्फ हम एक तरीके से कनेक्टिविटी का काम करते हैं। तो जितने NIC हैं वो यहीं पे काम करेंगे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम अपने कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर लगाते हैं सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, और फिर हम वायर लगाते हैं या फिर हम अगर हम एयर के थ्रू उसको जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे हम एक एंटीना वहाँ पे लगाएंगे, उसके अंदर एंटीना वाला NIC लगाएंगे और फिर उसे किसी पर्टिकुलर स्विच या हब से जोड़ेंगे, ब्रिज से जोड़ेंगे। तो वहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन भी हमें करना होगा, एड्रेसेस वगैरह को देखना होगा। तो इस तरह से एग्जैक्टली इस लेयर के ऊपर पर्टिकुलरली हम ये देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर्स को जोड़ देंगे, और जब डेटा ट्रांसफर होगा जोड़ने के बाद हाउ मेनी वोल्ट्स एंड माइक्रो सेकेंड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग 1 and 0। तो ये पूरा ट्रांसफर जब हम करेंगे पैकेट्स का, एक नोड से दूसरी नोड पे भेजना चालू करेंगे उसको, तो ये पूरा बाइनरी फॉर्म में ही जाएगा। तो उस बाइनरी डेटा का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कितनी वोल्टेज हमें रिप्रेजेंट वहाँ पे करनी होगी, किस तरह से हम उसकी एनकोडिंग करेंगे, एनकोडिंग स्कीम हमारी क्या होगी, और कितने माइक्रोसेकेंड्स तक वो एनकोडिंग, एक पर्टिकुलरली अगर हम एक बिट या बाइट की बात करें, एक बिट की बात करें तो एक बिट 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो कैसे हम हमारा रिप्रेजेंटेशन, 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और हमारा 0 का रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली मीडिया के ऊपर क्या होगा, कैसे हम सीक्वेंस में इस डेटा को रिप्रेजेंट करते हुए चले जाएंगे, क्या तरीका होगा उसका, और उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइमर भी मेंटेन करना होगा कि कितने टाइम के लिए, कितने माइक्रोसेकंड्स के लिए हम उसको चला रहे हैं। तो हमें वहाँ पे टाइमर, अपनी टाइमिंग स्पीड भी एक मेंटेन करनी होगी। तो क्लॉक उसके लिए हमें वहाँ पे रखनी होगी जिससे कि हम उसको मेंटेन करेंगे। हाउ टू ट्रांसमिट रॉ बिट्स, और कैसे हम रॉ बिट्स को वहाँ पे ट्रांसफर कर पाएंगे, क्या हमारा एनकोडिंग स्कीम तरीका हमारा क्या बन जाएगा। डिफाइन केबल कौन सी होंगी, किस तरह की होंगी, कौन से मटेरियल से बने होंगी, है ना, वो एग्जैक्टली कॉपर की होंगी या और किसी मेटल की होंगी, और एग्जैक्टली जो किस तरह से वो बनी हुई है, उसकी सारी जो स्ट्रक्चर है केबल की किस तरह की होगी। कार्ड्स, जो डिफरेंट कार्ड्स जो हमने लगाए हैं उसका वो करने के लिए, जैसे NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो किस तरह से एग्जैक्टली काम करेगा, क्या उसका एड्रेस स्कीम होगी, क्या उसका एड्रेस होगा, और कैसे वो नेटवर्क से जोड़ने का इंटरफेस बन जाएगा। आगे जब हम डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ेंगे तो क्या टोपोलॉजी वहाँ पे लेंगे, ये भी हम फिजिकल लेयर पे देखते हैं। तो जो कनेक्शन का तरीका है डिफरेंट डिवाइसेस को जब हम जोड़ते चले जाएंगे डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ, तो वो किस तरीके से हम जोड़ेंगे उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। स्ट्रक्चर जो उसका जुड़ने का है वो किस तरह का होगा। इस पर्टिकुलर लेयर पे हब्स, एक्टिव या पैसिव, दो तरह के हब्स होते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, रिपीटर्स काम कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स काम कर सकते हैं, या फिर एम्पलीफायर यहाँ पे काम करते हैं।
जितने भी यहाँ पे हार्डवेयर है काम करने वाली फिजिकल लेयर में, उसमें किसी भी तरह का लॉजिक यानी के सॉफ्टवेयर नहीं होता। सॉफ्टवेयर लॉजिक एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम डेटा लिंक लेयर, एंड अपर लेयर जितनी भी हैं उनमें धीरे धीरे वो लॉजिक जो है डेवलप होता चला जाता है। लेकिन ये लोअरमोस्ट लेयर है जिसके ऊपर एक्चुअली हम हार्डवेयर के अंदर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एग्जैक्टली काम करते हैं। एक बार हम फिर से इस ओवरव्यू को यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी 7 लेयर हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, तो इनका एग्जैक्टली अगर कोई चीज बची है हमारे से कंसेप्ट में तो वो क्या होगी। एप्लीकेशन लेयर 7वीं सबसे ऊपर की लेयर है। दिस लेयर इंटरफेसेस डायरेक्टली टू कॉमन एप्लीकेशन सर्विसेज। तो जितने भी एप्लीकेशन सर्विसेज हैं वो सारी 7th यानी के टॉप मोस्ट लेवल लेयर पे सब रन करेंगी कंप्यूटर के अंदर, और वहीं पे डेटा को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एग्जांपल्स इंक्लूड ईमेल है जैसे, तो वहाँ पे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करेगा जिससे हम डेटा को वहाँ पे बना पाएंगे, या डोमेन नेमिंग सर्वर DNS प्रोटोकॉल वहाँ पे काम करता है, या फिर हम वेबसाइट का अगर के डेटा की बात करें तो वो HTTP से फॉर्मेशन उसका होगा, या कहीं से ट्रांसफर हो के हमारे हमारे कंप्यूटर के ऊपर आ रहा था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो आपने पढ़ा भी है कि हम HTML में जो कोडिंग करते हैं वही यहाँ पे उसका ट्रांसफर जो कोडिंग का एग्जैक्टली टैग्स का ट्रांसफर एग्जैक्टली कैसे हो जाएगा। और अगर हम डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, बल्क डेटा को हम फाइल बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से होता है कि कैसे एग्जैक्टली इन फाइल्स को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर डील्स विद सिक्योरिटी आल्सो। सिक्योरिटी के साथ में डील करने के लिए क्रिप्टोग्राफी मेनली हम यहाँ पे करते हैं, यानी कि डेटा को जब भी हम भेजेंगे कंप्यूटर से बाहर तो उसको हम नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में नहीं भेजेंगे, उसको हम उसकी एनकोडिंग को चेंज कर देंगे। तो वो कई तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम हैं क्रिप्टोग्राफी के चेंज करने के लिए। नॉर्मल जो हमारा डेटा है उसको हम DES से करते हैं, डेटा एनक्रिप्शन स्कीम, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड हम लगा सकते हैं डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, या फिर उसके बाद चेंज होके थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES लगाते थे। और ये एक्चुअल में लगने वाली एल्गोरिदम्स हैं जो कि शुरू से अर्पानेट के टाइम से एग्जैक्टली DES लगनी चालू हो गई थी अर्पानेट में, और बाद में धीरे धीरे उनको चेंज किया गया। RSA से लेटेस्ट में हम यूज करते हैं रिवर्स शमीर और एल्डलमैन, 3 साइंटिस्ट के नाम पे ये बनी हुई है, और इसी से हमारा जो ऑनलाइन ट्रांसफर जितना भी है मनी का और इम्पोर्टेंट डेटा का वो जो है पॉसिबल हो पाया। इसके अलावा हम डिजिटल सिग्नेचर और जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वगैरह कंसेप्ट जितना भी है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो सब यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। देयर ऑल्सो डील्स विद रिमोट लॉगिन एंड टेलनेट। अगर हम रिमोटली किसी पर्टिकुलर लॉगिन में अपने अपने कंप्यूटर से बैठ के किसी दूर के किसी कंप्यूटर में डिस्टेंट कंप्यूटर के अंदर हम लॉगिन करना चाहते हैं तो उसका लॉजिक भी एग्जैक्टली इसी लेयर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। तो मेन डिवाइसेस जो यहाँ पे काम करती हैं वो गेटवे और फायरवॉल वगैरह हो सकती है, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली इन चीज़ों को इन्हीं एल्गोरिदम्स को एग्जीक्यूट करके बनाई गई है। उसके बाद 6th लेयर जो है प्रेजेंटेशन लेयर है। द प्रेजेंटेशन लेयर रिलीव्स द एप्लीकेशन लेयर रिगार्डिंग डिफरेंस इन डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा का रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली क्या होगा, किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो जितनी भी बाकी लेयर्स हैं उनको ये काम फिर सोचने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन लेयर ही इसके बारे में एग्जैक्टली सोचती है। EBC DIC में अगर डेटा है या फिर उसको कन्वर्ट करना है स्काई में या फिर यूनिकोड में कन्वर्ट करना है तो ये पर्टिकुलर लेयर इस काम को करती रहती है। तो इसके ऊपर ये भी गेटवेज और फायरवॉल्स में ही एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होता है ये पर्टिकुलर लॉजिक, और इस लेयर पे ये एग्जैक्टली काम करते हैं। उसके बाद सेशन लेयर, 5th लेयर जो है हमारी सेशन लेयर है। सेशन लेयर प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग द डायलॉग। जब हम दो कंप्यूटर्स को आपस में डायलॉग करने का परमिशन दे रहे हैं, यानी कि आपस में कम्युनिकेशन करने का परमिशन दे रहे हैं, तो जो दो लोगों के बीच में जो चर्चा होती है कम्युनिकेशन होता है उसी को हम डायलॉग बोलते हैं, बिटवीन एंड यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो मेनली एप्लीकेशंस जो है वो डायलॉग यहाँ पे ज़्यादातर करती हैं। जैसे हमने देखा कि मान लिया हम किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर से हम कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को हम एक्सेस कर रहे हैं,
तो डिफरेंट पोर्ट के थ्रू हमारा कंप्यूटर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को वहां से एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे पोर्ट्स का एग्जैक्टली कम्युनिकेशन आपस में होता है। पोर्ट यहाँ पे एग्जैक्टली एक एड्रेसिंग स्कीम का यूज होता है सेशन लेयर पे, जिसको हम पोर्ट एड्रेसिंग कहते हैं। तो ये डुप्लेक्स फॉर्म में भी हो सकता है। डुप्लेक्स का मतलब होता है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन लगातार अगर चलता रहे, कि इधर से भी डेटा जा रहा है, उधर से भी डेटा आ रहा है, लगातार जो है डेटा आता जाता रहेगा, तो उसे डुप्लेक्स कहते हैं। या फिर हाफ डुप्लेक्स में भी हो सकता है। हाफ डुप्लेक्स में सिर्फ जो हमारा चैनल है आने जाने का, वो एक बार में एक ही तरफ को डेटा भेज सकता है, या तो डेटा आ सकता है या फिर डेटा जा सकता है। लेकिन जब डेटा आएगा तो जाने वाले को रोक दिया जाएगा, और जब जाएगा तो आने वाले को रोक दिया जाएगा। तो इस तरह से हम हाफ डुप्लेक्स का भी इसी पर्टिकुलर चैनल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स का इस्तेमाल हम करते हैं इसको पर्टिकुलरली यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए। दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग टीयरिंग TCP/IP सेशन जो बनाता है, उसको बनाने का, मेंटेन करने का और टीयर ऑफ करने का आदेश सेशन लेयर से ही दिया जाता है कि अब हमारा काम यहाँ पे पूरा हो गया है, तो अब आप इस कनेक्शन को खत्म कर सकते हो। इस पर्टिकुलर लेयर पे भी गेटवे या फिर फायरवॉल काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को देखते हैं, जो चौथी लेयर हमारी है। द पर्पज ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर, कि जब हम डेटा का ट्रांसफर करने जाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट रहे, रिलायबल रहे और कॉस्ट इफेक्टिव डेटा ट्रांसफर हो, यानी कि उसमें ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा खर्च ना हो और रिलायबल हो, यानी कि डेटा हमारा सही से पहुँच जाए। तो ये भी दोनों तरह का यहाँ पे हो सकता है। कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है। कनेक्शन ओरिएंटेड मेनली TCP प्रोटोकॉल से हम काम करते हैं, और कनेक्शन लेस भी हो सकता है, उसमें हम UDP प्रोटोकॉल का काम करते हैं, यूनिट डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी कि हम डेटा एग्जैक्टली टेक्स्ट फॉर्म में भी भेज सकते हैं। जैसे हम मैसेज कोई भेज देते हैं तो वो UDP से जाएगा, लेकिन अगर हम उसको जैसे हम बात करते हैं किसी से और कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश करते हैं तो हम उसमें TCP में एग्जैक्टली काम करते हैं। उसके बाद थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर, द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स द फंक्शनल एंड प्रोसीजरल ट्रांसफरिंग अवेलेबल वेरिएबल लेंथ डेटा सीक्वेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारा डेटा सही सलामत बिल्कुल पहुंच जाए, और उसके लिए ये डिफरेंट तरह के वर्क जो है यहाँ पे करती है, जैसे राउटिंग है, फ्लो कंट्रोल है, सेगमेंटेशन है, डिसेगमेंटेशन है, और एरर कंट्रोल भी कुछ हद तक यहाँ पे हो सकता है। लेकिन मेन जो एरर कंट्रोल है वो डेटा लिंक लेयर पे ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली एंड टू एंड एरर को देखते हैं कि कोई बड़ा एरर तो इस तरह का यहाँ पे नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग जो है IP की फॉर्म में होती है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यहाँ पे एग्जैक्टली हम इस लेयर पे लॉजिकल एड्रेसिंग हमें मिलती है, जो कि एग्जैक्टली 4 ऑक्टेट में रहती है। 4 बाइट की एड्रेसिंग का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं, और उसमें डिफरेंट क्लास की एड्रेसिंग होती है, और हम क्लास 3 एड्रेसिंग का एग्जैक्टली आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लास 3 का। तो उसके अंदर जैसे इस तरह के एड्रेस होते हैं, जैसे 192.168.1.0, इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को एड्रेस देते हैं। डेटा लिंक लेयर जो हमारी सेकंड लेयर है, डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स द फंक्शनल एंड प्रोसीजरल मींस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन नेटवर्क एंटिटीज, यानी कि एक हॉप के ऊपर, सिंगल हॉप के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह, बस इसका इतना ही काम होता है। ये डेटा ट्रांसफर करे और जो पॉसिबल एरर्स है उनको भी ये यहाँ पे डिटेक्ट कर सकती है। यहीं पे दूसरी तरह की, जो तीसरी तरह की हमारी एड्रेसिंग स्कीम है, यानी कि मैक एड्रेस जो है वो भी इसी लेयर के ऊपर हमें एग्जैक्टली मिल जाते हैं, जिसको कि हम हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर के या NIC कार्ड के अंदर रहता है और वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही बना दिया जाता है। उसके बाद लास्ट लेयर जो है फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में अभी हमने देखा ही था कि उसमें मेनली यही चीज़ें रहती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमारा एग्जैक्टली कितना होगा, कितने वोल्टेज होंगे, कितने पिंस होंगे, क्या केबल हम एग्जैक्टली लगाएंगे,
किस तरह का हब वहाँ पे होगा या रिपीटर होगा या और कोई डिवाइस वहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे लगेगी। तो इस तरह से हम पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट फिजिकल लेयर का है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एग्जैक्टली जब हम कन्वर्जन डेटा को, जब हम वॉइस डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। और यही करके हम जब अपनी आवाज़ को डिजिटल डेटा में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम किसी पर्टिकुलर कॉपर या फाइबर ऑप्टिक के ऊपर किसी वायर के ऊपर भेज देंगे और वहाँ पे जाके जब वो कन्वर्ट होगी तो उसको हम डी मॉड्यूलेशन कहते हैं। और इन दोनों को मिला के ही हम मोडम कहते हैं, यानी कि मॉड्यूलेशन एंड ड्यू मॉड्यूलेशन, यानी कि आवाज़ को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना और फिर से उस डिजिटल डेटा को आवाज़ में कन्वर्ट कर देना। तो ये मोडम का काम है और मोडम इसी लेयर पे एग्जैक्टली काम करते हैं। तो ये हमने आज देखा कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो हमारा जो एक तरीके से रेफरेंस मॉडल है, तो उसका जो सॉफ्टवेयर लॉजिक है वो 7 लेयर्स में बटा हुआ है और इन 7 लेयर्स में जो डिफरेंट लॉजिक काम करते हैं, अलग अलग लेयर जो है उनका क्या वर्किंग कंसेप्ट क्या है और कैसे वहाँ पे डेटा के साथ में क्या वर्किंग एग्जैक्टली की जाती है। और ये भी हमने यहाँ पे देखा कि कैसे जो डेटा हमारा ट्रांसफ़र होना चालू होगा तो 7th लेयर से और नीचे की तरफ आता चला जाएगा और धीरे धीरे फिजिकल लेयर पर आने के बाद पैकेट्स की फॉर्म में फिर दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेज के हम उसको दूसरी जगह पर रिसीव करेंगे। तो ये हमारा पूरा ट्रांसफर प्रोसेस है, कैसे हम नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। उसका लॉजिक आप लोगों ने आज पढ़ा, आप इसको लिख के और ध्यान से इसको मगअप करने की कोशिश करें।